राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से किसान विरोधी तीन कानून वापस लेने के लिए किसान मोर्चा के आंदोलन को देशव्यापी जन आंदोलन बनाने के लिए आज संविधान चौक पर आंदोलन किया गया है। शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संविधान चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा भी निकाला गया। ज्ञापन देकर दाम कम करने की मांग भी की गई। तिवारी ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई है, तब से यह सरकार गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो गए और जिसने जनता महंगाई से भी त्रस्त है। अनेक युवाओं की नौकरी चली गई है, साथ ही अनेक लोग बेरोजगार भी है, जिससे आम जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है। बावजूद इसके सरकार को कोई लेन देन ही नहीं। यकीनन आपका जो सवाल है कि किसान भाई समझा नहीं पा रहे, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो समझ नहीं पा रही है। ये तीनों कानून किसानों के विरोध में है। किसान कह रही है, किसान आंदोलन कर रही है, फिर भी सरकार कह रही है कि आपके फायदे के। अरे हमारे फायदे के नहीं है, इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार ने यह समझना चाहिए, अगर इसके विरोध में जनता आज के तारीख में रास्ते पे है, किसान रास्ते पे है, मजदूर रास्ते पे है, तो यकीनन सरकार ने ये काला कानून पीछे लेना चाहिए, यही हमारी मांग है। लेकिन वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार, अंबानी, अडानी और टाटा को आगे करके बाकायदा ये जो कानून है ये लगाने के पीछे लगे, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, आज के तारीख का स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इस आंदोलन को आप लोग देखो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।